हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तीनों के चैप्टर एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम फिर दोबारा से रूटीन घुमा रहे हैं, पहले फिजिक्स देन केमिस्ट्री देन बायो। तो भाई आज बच्चों आपका फिजिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, बहुत मजा आने वाला है इसमें, बहुत मन लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, अब पिछला जिन्होंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा छोड़ दो, आज से बिल्कुल नए सिरे से बिल्कुल नया पार्ट स्टार्ट करना, और कोई भी बच्चा क्लास मिस मत करना। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं तो वीडियोस को जरूर टाइम से देखते रहे। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर का नाम है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ये थोड़ा सा इरेज हो गया है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत मजेदार चैप्टर है बच्चों। जिन बच्चों को ना फिजिक्स लेनी है, मतलब आई मीन साइंस लेनी है आगे चल के 11th क्लास में, तो प्लीज वो उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब चैप्टर रिपीट होंगे, बस इनका हाई लेवल एडवांस वर्जन आएगा। तो सुनिए, तो इस चैप्टर को हम बेटा दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे बच्चों, एक तो फोर्स और लॉज ऑफ मोशन। कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो उसके बारे में थोड़ा जानना है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है। इसी को पढ़ने के बाद ग्रेविटेशन अच्छे से आएगा, नहीं तो आ तो जाएगा, मगर इसको बिना पढ़े ग्रेविटेशन अच्छे से नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ, या फर्स्ट चैप्टर को पढ़े बिना। ठीक है, तो सुनिए मेरी बात। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे फोर्सेस। सबने सुना होगा, बहुत कॉमन चीज है फोर्सेस। फोर्सेस जगह जगह तरह तरह से अप्लाई होते हैं, सबने अपने अपने अलग अलग लैंग्वेज में सभी को पता है कि ये फोर्स क्या होता है, मगर आज हम आपके लेवल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू कि सिंपल भाषा में और जितना हम हमें अब जानना है उसके हिसाब से पढ़ेंगे। बेटा जैसे कि आपको पता है, अगर आपको कोई भी चीज एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रखनी होती है तो डेफिनेटली आपको उस पे क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। हाँ ये ना, साथ दो बच्चों फिजिक्स में एक नंबर नहीं कटने दूंगा, पक्का प्रॉमिस, हर क्वेश्चन कराएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं बेटा। जब भी आप दूसरा एग्जाम्पल, जब भी आप अपने घर का दरवाजा खोलते हो, मतलब मूव करवाते हो, तो डेफिनेटली उस पे फोर्स लगाते हो, फोर्स। हाँ या ना, अगर आपको, मेरे पास क्या है, ये मार्कर है। ठीक है, अब इस मार्कर को मैंने उठाया और दूसरी जगह रख दिया, अब भी मुझे क्या लगाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा। समझ रहे हो ना, मैं इस बोर्ड पर मार्कर से लिख रहा हूँ, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी लिख रहा हूँ, तब भी मुझे मार्कर के सहारे क्या लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है। यानी आपके सामने एक ऐसी चीज है कि इस पूरे संसार में हम सब ह्यूमन बीइंग्स, ए टू जेड लिविंग बीइंग्स, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में फोर्स लगाते ही लगाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये फोर्स होता क्या है, क्या है ये फोर्स। जगह जगह हम डेली, आप सब कहीं ना कहीं फोर्स लगाते ही लगाते हो। कोई चलने में, अगर आप चलते हो तो आपको पैर से फोर्स लगाना पड़ता है, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, आपको चेयर रखनी है, खिसकानी है एक जगह से दूसरी जगह, तो फोर्स लगाना पड़ता है। इनफैक्ट अगर आप अपने बाल बहाते हो तो बालों में कंघे की मदद से फोर्स लगाना पड़ता है ना। आप देखो, यानी जगह जगह डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट फॉर्म में अलग अलग फोर्स लगता है। तो ये फोर्स क्या है, तो बेटा सभी एग्जाम्पल दोबारा से देखिए। देखिए, जब आप किसी बड़ी शॉप पे जाते हो, बड़ी शॉप पे जाते हो, तो उसके जो हमारा डोर है, दरवाजा है, उस पे लिखा रहता है पुश या पुल। पुश बाहर की तरफ देखोगे या अंदर की तरफ, दोनों तरफ, एक तरफ तो पुश लिखा मिलता है आपको, पुश PUSH, और दूसरी तरफ लगा रहता है पुल। तो बेटा बेसिकली, अगर मान लीजिए मुझे दरवाजे को अपनी तरफ खींचना है, तो मैं उसको अपनी तरफ क्या कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ। पुल का मतलब होता है बेटा अपनी तरफ खींचना, और पुश का मतलब होता है अपनी तरफ, अपने से दूर खींचना। तो आप दुनिया में कहीं भी फोर्स लगा रहे हो तो देखो, इन्हीं दो चीजों की फॉर्म होगी, या तो पुश होगा या पुल। आप चाहे एग्जाम्पल देख लो, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बुक उठाई, बुक उठा के दूसरी जगह रख दी, तो मैंने इसको अपनी तरफ फोर्स लगाया और फिर उठा के रखा, है ना। अगर कोई भी चीज आप अपनी तरफ पुश करते हो, सॉरी,
पुश पुल, समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि दुनिया में हर एक फोर्स में दो ही चीज होंगी, या तो पुश होगा या पुल। आपको पता है एक ट्रेन है हमारे हापुड़ से चलती है जिसका नाम है पुश पुल। आप अपने मम्मा पापा से पूछना पुश पुल, वो क्यों? क्योंकि उसके दोनों तरफ इंजन है, एक एक टाइम पे वो लेके जाती है, एक तरफ वो लाके लाती है, तो पुश भी हो रहा होता है और साथ में पुल भी हो रहा होता है। आप इनफैक्ट जैसे ये मेरे ऊपर एसी लग रहा है, अगर ये इसकी जो स्विंगिंग है, जो ये ऊपर नीचे होती है, वहां पे भी क्या लग रहा है? पुश लग रहा है या फिर पुल लग रहा है। बेटा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, ये कुछ लैपटॉप है। अब मैं लैपटॉप को अपने से दूर ले जा रहा हूँ, देखो दूर जा रहे हो आप, मेरे से दूर जा रहे हो, मैंने लैपटॉप पे क्या लगाया? पुश लगाया। मगर अगर इसी लैपटॉप को मैं अपनी तरफ ला रहा हूँ, अपनी तरफ ला रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? पुल। यानी अगर हम समझ में, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिकली क्या है पुश और पुल। यानी बेसिकली अगर हमें किसी भी बॉडी को मूव कराना है, तो या तो हमें उसे पुश करना पड़ेगा या उसे पुल, या तो उसे पुश करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लाइक दिस। अगर उसको दूर ले जाना है तो हमें पुश करना पड़ेगा, या अपनी तरफ खींच रहे हैं तो पुल। तो दो ही तरीके से फोर्स लगता है, या तो पुश या पुल, और इसी को हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स के लिए अगर आपसे कोई पूछा जाए व्हाट इज फोर्स, तो क्या बोलेंगे? पहला पॉइंट ए पुश और पुल। या तो हम पुश करेंगे, दबाव डालेंगे, या अपनी तरफ खींचेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर, या तो मैं इसे ऐसे पुश करूंगा या इसको अपनी तरफ ऐसे खींचूंगा, तभी तो मूव करेगा। तो समझ में आ रहा होगा ये जो पुश और पुल है इसी को हम फोर्स कहते हैं। ए पुश और पुल ऑन अ बॉडी, ऑन अ बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, प्लीज लापरवाही मत दिखाना। ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स। ए पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया हो, ठीक है बच्चों? तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली फोर्स क्या है। तो बेटा अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, तो डेफिनेटली मुझे उसको या तो पुश करना पड़ेगा या उसको पुल करना पड़ेगा। जब तक मैं पुश या पुल दोनों में से कुछ भी नहीं करूंगा, वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। आप खुद देखो, चाहे फील करो, अगर किसी भी चीज को मूव कराना है, अगर आपको गाड़ी पे धक्का मारना है, तो गाड़ी पे धक्का मारने को हम कहते हैं पुश। और अगर मैं गाड़ी को आगे से खींच रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा? पुल। और यही पुश और पुल किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम लगाते हैं, तो हम कहते हैं उस पे क्या लग रहा है? फोर्स। जैसे कि ट्रेन, ट्रेन भी क्या लगाती है? फोर्स। जो इंजन है, वो इंजन जो है वो अपने डिब्बों पे क्या करता है? मान लीजिए मेरे पीछे डिब्बे हैं, मैं इंजन हूं, तो वो अपने डिब्बों पे क्या लगा रहा है बेटा? पुल लगा रहा है, खींच रहा है अपने डिब्बे को, है ना? वही किसी की गाड़ी खराब हो गई, हम पीछे से धक्का मार रहे हैं, तब भी वो मूव करेगा, तो वो क्या लगा रहा है? उस पे पुश लगा रहा है। तो आपको समझ में आ गया। आगे सुन लीजिए बेटा, मान लीजिए आप फील लेना बेटा, प्लीज प्लीज ध्यान से, थोड़ा सीरियस होके पढ़ो, मैं बार बार नहीं कहूंगा। ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ये यहाँ पर क्या है, ठीक है? अब मैं हूं, आप इसको ऐसे समझो, मैं हूं, मैंने इस पे अपने हाथों से क्या लगाया? फोर्स लगाया, हाथों से अपनी तरफ खींचा, मतलब दबाव डाला इस पे हाथों से, और ये इस तरफ मूव कर गया। तो बेटा इस तरीके के फोर्स को हम क्या कहते हैं? पुश कहते हैं। और वहीं मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, आप इस साइड खड़ा हूं, और रस्सी से मैं इसको अपनी तरफ खींच रहा हूं, इस बॉक्स को रस्सी से अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो दैट फोर्स क्या हो जाएगा उस केस में? पुल। ठीक है, तो पुश और पुल। अब ध्यान से देखो जो अगला टॉपिक है बेटा, मान लीजिए आपने देखा, अगर आपने फोर्स इसको इस डायरेक्शन में लगाया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ देर बाद यहां पहुंच जाएगा। यानी आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। ऐसा ही है, फॉर एग्जाम्पल आप साइकिल चलाते हो, जैसी साइकिल पे आपने अपना हैंडल मोड़ा, तो साइकिल उसी तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। जिन जिन बच्चों को स्कूटी चलानी आती है, जब आप स्कूटी चलाते हो, तो फोर्स तो कौन लगा रहा है? आपका इंजन, इंजन की वजह से टायर मूव कर रहा है ना, लेकिन आप जिस डायरेक्शन में लगाओगे वो किसकी मदद से सेट करते हो? स्कूटी के हैंडल की मदद से, है ना? कोई किसी किसी बच्चे को गाड़ी चलानी आती होगी, जब आप गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी जिस तरफ भी आपको गाड़ी मोड़नी है, उस तरफ आप उसका स्टीयरिंग मोड़ देते हो। तो डेफिनेटली यानी हम जिस डायरेक्शन में पुश या पुल करते हैं, वो डायरेक्शन जिसमें हम पुश या पुल करते हैं, या तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं पुश,
ऐसे झुकाव, तो बेटा इसका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में पुश कर रहा हूं तो जो इसका डायरेक्शन होगा फोर्स का, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में आप पुश या पुल करते हो उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स होता है, और वही डायरेक्शन आपकी कहलाती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मैं इसको अपनी तरफ खींच रहा हूं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? मेरी तरफ। अगर मैं उसको अपने से दूर ले जा रहा हूं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? मुझसे दूर ले जाना, यानी वो डायरेक्शन। अगर मैं लैपटॉप को, आप समझो, लैपटॉप को अपनी तरफ खींच रहा हूं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये हो गया। मैं लैपटॉप को दूर ले जा रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दूर हो गया। मैं लैपटॉप को ऐसे ले जा रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये हो गया। मैं लैपटॉप को इधर की तरफ ले जा रहा हूँ, पुश लगा रहा हूँ या पुल कर रहा हूँ, तो लैपटॉप का डायरेक्शन ये हो गया मूव करने का। तो समझ गए, जिस डायरेक्शन में हम पुश और पुल लगाते हैं वही डायरेक्शन क्या कहलाता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। प्लीज ध्यान से सुनना, तो लिख लीजिए बेटा द डायरेक्शन। अगला पॉइंट लिखिए द डायरेक्शन। बहुत मजेदार चैप्टर है, बस थोड़ा सा रेगुलर हो, सीरियस रहो पढ़ाई के लिए। जब तक सीरियस नहीं रहोगे बच्चों कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में हासिल, याद रखना। ये बहुत कीमती साल चल रहे हैं आपके, 3 से 4 साल, ठीक है? तो लिखिए द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी, द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी, द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी इज पुश्ड, जिस भी डायरेक्शन में बॉडी को हमने पुश करा या फिर पुल करा, एक ही बात है, द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड, वही डायरेक्शन क्या कहलाया जाएगा आपको? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, आया होगा आपको समझ में? यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कोई दरवाजा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरी तरफ ये दरवाजा है, उसके सामने लिखा है पुश, मैं उसको ये पुश कर रहा हूँ ना, तो यही मेरा क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब मैं दुकान के अंदर हूँ, दुकान के अंदर से मैंने गेट पे देखा, गेट पे लिखा हुआ है पुल, तो अब मैंने दूसरी तरफ से फोर्स लगाया ना, यानी पुल लगाया ना, तो जिस डायरेक्शन में पुल लगाया फिर वो क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो जिस भी डायरेक्शन में आप पुश लगाओगे या पुल लगाओगे वही होगा आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे पॉइंट सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बेटा। बेटा ये जो फोर्सेस हैं, तरह तरह के जो फोर्सेस हैं, इनको हम एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ में बहुत बार जगह जगह यूज करते हैं। चाहे तो आप देख लीजिए, जगह जगह यूज होगा बेटा, जगह जगह, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको डेली कुछ ना कुछ चीजें मूव करानी ही पड़ती हैं। जैसे आपको चलना पड़ता है, अगर आपकी मम्मा ने बोला पानी गिलास लेकर आओ तो आपको फिर से फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको अगर मम्मा ने बोला कि बेटा ये बाल्टी है कपड़ों की, उसे ऊपर रख के ले आओ, तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। बाल बहा रहे हो तो फोर्स लगाना पड़ेगा, या तो पुश या पुल। किसी चीज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना है तो भी आप क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। यानी जो फोर्सेज है, क्या लिखेंगे? Forces are used in everyday action. जो daily के काम हम करते हैं उसमें हम आए दिन daily force को use करते हैं। जैसे अगर आप pushing, जैसे remote का button है, अगर आप remote का button, मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अगर आप phone चला रहे हो तो phone पे आप क्या करते हो? Push करते हो, नहीं push, तभी तो वो move करता है। जैसे मैंने कहा ये मैंने push करा, अब इस पे दबाव डाला तभी तो चल रहा है ये, है ना, तभी तो चल रहा है ये। तो बेटा, तो अगर हम जगह जगह आए दिन हम क्या करते हैं? पुशिंग करते हैं। क्या करते हैं? पुशिंग। यानी जब जैसे रिमोट का बटन दबा रहे हो, आपको एसी के रिमोट चालू करना है तो बटन को दबाते हो, नहीं दबाते हो, तो वहां भी आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया, ठीक है। या फिर पुलिंग, पुशिंग के बाद या फिर पुलिंग। पुलिंग का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप दरवाजा डेली कभी बंद करते हो कभी खोलते हो, तो कभी पुश करते हो कभी पुल करते हो। या फिर कहाँ यूज करते हो डेली लाइफ में फोर्स को? लिफ्टिंग। जैसे आपने बाल्टी उठाई, बाल्टी बाल्टी उठा के अपने सर पे रख के ले गए, है ना। या फिर जो वेट लिफ्टर होते हैं, वेट लिफ्टर, वो बहुत सारा वेट, जब आप जिम करते हो बहुत सारा वेट उठा लेते हो, नहीं उठा लेते हो, तो वो किस में आएगा? लिफ्टिंग में। जो लिफ्ट काम करती है, किसी सामान को हाइट पे ले जाना, है ना, वहां भी फोर्स लगता है, लिफ्टिंग। या फिर अगर मैं बात करूं स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग समझते हो? खींचना, जैसे रबड़ बैंड को खींच रहे हो कभी, स्ट्रेच कर रहे हो, तो ये भी क्या हो गया? एक तरीके का फोर्स हो गया, इसमें पुश और पुल है ना। तो या फिर ट्विस्टिंग, जैसे किसी चीज को फाड़ देना, पेपर है
पेपर को घुमा के फाड़ दे रहा, जैसे ये तार है मैंने इसको क्या करा, ट्विस्ट कर दिया, चारों तरफ ट्विस्ट कर दिया, तो भी मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए ट्विस्टिंग में, या फिर मैं किसी चीज पे प्रेशर लगा रहा हूँ, जैसे पानी, पानी होता है, पानी पाइप पकड़ता हूँ, पाइप तो पाइप से वो पानी के पास क्या होता है, प्रेशर। तो आए दिन मैं डेली इन फोर्सेस को जगह जगह यूज करता हूँ, जैसे फुटबॉल खेल रहा हूँ तो फुटबॉल पे मुझे फुटबॉल को किक करना पड़ेगा, यानी मैंने वहां पे क्या लगाया, फोर्स, कौन सा फोर्स, पुश, ठीक है। जैसे दूसरा, अगर आपकी कवर्ड है, कवर्ड में आपका कोई बुक रखी है, तो आपको वो कवर्ड खोलनी पड़ेगी अपनी तरफ ऐसे, है ना, तभी तो खोलोगे ऐसे, तो उसमें क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो। तीसरा, अगर आप रबड़ बैंड लगा रहे हो अपने बालों में, तो वो आपको स्ट्रेच करनी पड़ेगी, है ना, समझ रहे हो। अगर आप साइकिल चला रहे हो तो साइकिल के पैडल मारने पड़ेंगे आपको। इनफैक्ट जो हमारे, आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ी होती है, झुग्गी झोपड़ी, उनकी छत उड़ जाती है, वो भी क्यों उड़ जाती है, क्योंकि फोर्स लगता है, किसका फोर्स, हवा का फोर्स, बहुत तेजी से हवा आई और सबको उड़ा के ले गई फोर्स लगा के। जैसे अभी मुंबई में तूफान आया था, तो वो फोर्स ही तो था हवा का, हर कोई फोर्स लगाएगा, है ना, तरत या तो पुश या पुल। तो एक्चुअली मैं ये कह सकता हूँ कि फोर्स क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ फोर्स का इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से खत्म होता है, कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछेंगे, अगला टॉपिक आएगा इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो कि अभी होगा, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, चैप्टर को फील करना, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से फील कराऊंगा, इतना बढ़िया लगेगा, धीरे धीरे आप कहोगे हाँ मजा आ गया, ठीक है, चलिए, ठीक है ना बच्चों। तो इस चैप्टर का मैंने पहला पार्ट खत्म करा है कि फोर्स क्या आता है, ये बिल्कुल बच्चों वाला डेफिनेशन बताया है मैंने कि पुश और पुल, या तो पुश करना किसी को अपनी तरफ खींचना या अपने से दूर ले जाना, वही फोर्स कहलाता है, और जिस डायरेक्शन में हम पुश करेंगे या पुल करेंगे वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहलाता है, और हम फोर्स को आए दिन अपनी डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं, इसके बिना कोई चीज मूव भी नहीं हो सकती बच्चों, आप खुद सोचो ना कैसे मूव हो जाएगी, अपने आप तो कोई चीज मूव हो नहीं सकती। अब आप कहोगे सर पानी तो अपने आप मूव करता है, नहीं, उसको भी अर्थ का फोर्स लेके आता है ना, हाइट से नीचे की तरफ अपनी तरफ ग्रेविटी फोर्स, है ना। तो बेटा ये आ गया, अब अगला टॉपिक आता है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, प्लीज महसूस करना, फील करना, बढ़िया अच्छा चैप्टर है यार, बहुत मजेदार है, हेडिंग डालिए क्लास, अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखो, किसी को कोई बीमारी हो जाए, किसी की किडनी खराब हो गई, अब भैया वो देख तो सकता नहीं है अपनी किडनी, मेरी किडनी खराब है, मगर उसको फीलिंग आ जाएगी, उसके किडनी खराब होने के बुरे बुरी चीजें, सिम्टम्स, बुरे बुरे इफेक्ट वो नजर आ जाएंगे, जैसे उसका ब्लड प्योरीफाई नहीं होने का, या दूसरी चीज, अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया, अब भैया पता तो चल नहीं रहा किसको हो गया, कुछ दिनों बाद उस कोरोना वायरस का इफेक्ट हमारी बॉडी पे दिखना चालू होगा, यानी हम डिसीज को देख नहीं सकते ना, एक मिनट, हाँ सुनेंगे मेरी बात। तो बच्चों जैसे मैंने बताया, कोई भी बीमारी हो जाती है किसी को, तो वो हम देख नहीं सकते कि ये बीमारी हो रही है, किसी को कोई भी बीमारी हो, अस्थमा हो, कुछ भी हो, उसके इफेक्ट देख सकते हैं, और उसी इफेक्ट की वजह से हम कहते हैं जिसको ये बीमारी है। उसी तरीके से फोर्स को भी हम कहीं भी देख नहीं सकते, बस उसके हमें इफेक्ट। अब मैं कह रहा हूँ जी मुझ पर फोर्स लग रहा है, मुझे कैसे पता मुझ पर फोर्स लग रहा है, आपके चारों तरफ हवा फोर्स लगा रही, क्या आप देख पा रहे हो, क्या आप देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं फोर्स लगता है जगह जगह, क्या आप उस फोर्स को देख सकते हो, फोर्स कभी देख नहीं सकते ना अपनी चीजों से, क्योंकि फोर्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फोर्स कोई मैटर नहीं है, है ना, फोर्स तो एक प्रोसेस है, किसी चीज को अपनी तरफ खींचना या अपने से दूर ले जाना, तो फोर्स को हम कभी देख नहीं सकते, फोर्स के केवल हम क्या महसूस कर सकते हैं, उसके इफेक्ट, जैसे पंखा, जैसे इफेक्ट, जैसे मैंने एग्जाम्पल बीमारी का दिया ना आपको, एग्जाम्पल बीमारी का कैसे दिया, कि किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उस बीमारी को आप देख तो सकते नहीं है कि जी अच्छा इसको ये बीमारी, देखो जरा कैसी बीमारी है, ऐसा तो नहीं होता ना, उस बीमारी से जो जो इफेक्ट हमारी बॉडी पे आए, जैसे कैंसर का एक इफेक्ट है कि बाल झड़ जाते हैं, है ना, या फिर किडनी खराब होने का एक इफेक्ट है कि जी भैया आपका ब्लड प्योरीफाई नहीं हो पाता, या अगर किसी को, जैसे आपने सुना होगा एक बहुत बड़ी बीमारी होती है अपेंडिक्स, वो दिखती तो है नहीं किसी को, एकदम से उसका इफेक्ट आता है, पेन होना चालू होता है, ऑपरेशन हो जाता है, तो जैसे किसी को पथरी हो गई तो हमें पता तो चलता नहीं है जी पथरी हो गई, देख सकते हैं उसे बाद में, लेकिन उसके इफेक्ट आने के बाद, लेकिन फोर्स को तो हम बिल्कुल नहीं देख सकते। मैंने कहा मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, क्या देख पा रहे हो आप फोर्स, जब तक ये मूव नहीं करेगा या जब तक इसके अंदर चेंज नहीं आएगा, आप क्या बोलोगे, भैया फोर्स नहीं लग रहा, ऐसा ही होता है। तो मैं वही इफेक्ट की बात करने वाला हूँ कि फोर्स के कुछ इफेक्ट हैं, और उन्हीं इफेक्ट की मदद से हम ये पता लगाते हैं कि भैया इस पे फोर्स लग रहा है या
नहीं लग रहा। जब तक वो इफेक्ट हमें शो नहीं होंगे, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा। तो मैं ये ओवरऑल पांच इफेक्ट है, तो मैं आज दो या तीन बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें, ए फोर्स कैन नॉट बी सीन। हम किसी भी फोर्स को देख नहीं सकते बच्चों। बताइए कभी देख सकते हो क्या? फोर्स लग रहा है कोई चीज थोड़ी है फोर्स। ए फोर्स कैन नॉट बी सीन। हम केवल फोर्स कब पहचानते हैं? जब उसकी वजह से कोई चीजें चेंज होती हैं। क्या? ए फोर्स कैन, जैसे कोई भी इंसान है, अब मुझे क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जब तक वो कुछ करेगा नहीं, हम पता नहीं लगा पाएंगे कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है। जब तक वो कुछ ऐसी हरकतें नहीं करेगा, हम उसको जज नहीं कर सकते। जब तक वो अपने इफेक्ट नहीं दिखाएगा कि मैं तो ऐसा काम करूंगा, है ना। तो उसी तरीके से फोर्स को भी नहीं देख सकते हम, बस इसको जज कर सकते हैं। किससे? कैन बी जज ओनली बाय द इफेक्ट। यानी उसके कुछ प्रभाव है, उसकी वजह से कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और अगर कहीं भी वो चेंजेस आ जाए तो मैं कहूंगा कि इस पे क्या लग रहा है बेटा, फोर्स विच इट कैन प्रोड्यूस। तो फोर्स लगने की वजह से कुछ चीजों में चेंज आता है। जैसे हवा को आप देख नहीं सकते, हवा को आप देख नहीं सकते, मगर हवा को महसूस तो कर सकते हो उसके इफेक्ट को। उसी तरीके से कह रहा हूँ, फोर्स को देख नहीं सकते लेकिन फोर्स का इफेक्ट देख सकते हो जो उसकी वजह से चेंजेस आए हैं। तो वही मैं बताने वाला हूँ, विच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडी। तो सुनिए पहला, बस और इसको पढ़ते ही फोर्स वाला पार्ट खत्म, फिर पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। तो बेटा पहला वो कौन सा इफेक्ट है? पहला, ए फोर्स कैन, आप फील करना, ए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बेटा मैंने आपको मोशन में बताया था, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह फिक्स है, रेस्ट में, मूविंग कंडीशन में नहीं है। तो आपको पता है, जैसे आपकी, मान लीजिए आपकी साइकिल है, साइकिल खड़ी हुई है, तो बेटा जैसे ही आप उस पे फोर्स लगाना स्टार्ट करते हो, पैडल से मारना स्टार्ट करते हो, वो साइकिल मूव करना स्टार्ट हो जाती है, नहीं हो जाती है। आप बैडमिंटन खेल रहे हो, आपने बैडमिंटन में रैकेट लिया और रैकेट से जो शटल है उस पे फोर्स मारा, और फोर्स मारने से वो शटल दूसरे पाले में जाके गिरती है, नहीं गिरती है। आपके हाथों में बॉल है, वो रुकी हुई है, अभी स्टेशनरी है। जैसे ही आपने उस पर फोर्स मारा, वो दूर चली जाएगी, नहीं चली जाएगी। जैसे ही आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला, पेट्रोल डालने पे आपने एक्सलेटर लगाया, दबाया, और एक्सलेटर दबाने से क्या हुआ, गाड़ी पे फोर्स लगाया इंजन ने, और इंजन की फोर्स की वजह से गाड़ी आगे मूव कर जाती है, हाँ या ना। तो यहां से मैं एक चीज ये कह सकता हूं कि पहला इफेक्ट क्या है, ए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, जैसे ये लैपटॉप है, अभी ये स्टेशनरी है क्योंकि ये रुका हुआ है अपनी जगह, मैं इस पे फोर्स लगा दूं तो क्या कर रहा है, ये मूव करा नहीं करा, देखो मूव करा नहीं करा, है ना। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको आसपास मूव होती हुई दिखाई दे रही है, तो समझ जाना उसमें क्या लग रहा है, फोर्स, है ना। समझ गए? आपकी साइकिल मूव कर रही है, यानी डेफिनेटली उस पे क्या लग रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स। ठीक है, पानी चल रहा है, मूव हो रहा है, तो डेफिनेटली पानी पे क्या लग रहा है, फोर्स। तो एक फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। गाड़ी रुकी हुई है, खराब हो गई, खराब होने पर मैंने उस पर धक्का मारा, फोर्स लगाया, वो क्या कर जाएगी, मूव होना स्टार्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो दिस इज फर्स्ट इफेक्ट, ए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। लास्ट में मैं सारे इफेक्ट का एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो सबको क्लियर कर देगा। अभी थोड़ा समझो, एक इफेक्ट और बताता हूं आज। देखिए, ए फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए क्या है, आपने सुना होगा कभी कभी भैया, जब चोर पुलिस का गेम सुना होगा, जब चोर भाग रहा होता है तो पुलिस एकदम से पीछे से पकड़ लिए किसी ने कॉलर, तो चोर भागता भागता रुक जाता है। या फिर आप जब अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, तो ब्रेक भी क्या करता है, एक फोर्स लगाता है टायर के ऊपर, और उस फोर्स की वजह से वो गाड़ी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। आपने गाड़ी को, आपने देखा होगा जब आप स्कूटी चलाते हो, कुछ देर बाद जब आप रेस नहीं देते तो स्कूटी धीरे धीरे अपने आप स्टॉप हो जाती है, हाँ या ना, कुछ दूर पे जाके। क्यों? क्योंकि आपको अब बदले में अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिल रहा है, एक फोर्स मिल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, जो हमारी अर्थ लगाती है ना। तो यानी एक फोर्स अगर किसी चीज को मूव करा सकता है, तो वो फोर्स किसी चीज को स्टॉप भी कर सकता है। जैसे क्रिकेट सबने खेला होगा, है ना, जब आप क्रिकेट बहुत तेजी से आपकी तरफ बॉल आई, आपने केवल प्लेसमेंट करा, केवल बैट आगे अड़ा दिया,
तो बॉल वहीं स्टॉप हो जाती है, नहीं हो जाती है। कोई भी क्रिकेटर जब कैच पकड़ता है तो बॉल मूविंग कंडीशन में वो अपना हाथ लगा देता है और फोर्स लगाता है, तो वो चलती हुई गेंद मूव होती हुई बॉल स्टॉप हो जाती है, नहीं हो जाती है। आप समझ रहे हो ना, जब कोई गाड़ी आगे आ रही होती है तो बहुत सारे लोग आगे खड़े हो गए और उसको रोक रहे हैं, तो यानी वो फोर्स की वजह से उस गाड़ी को स्टॉप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यानी कोई फुटबॉल मेरी तरफ आ रही है, कोई फुटबॉल मेरी तरफ आ रही है, मैंने हल्का सा उस पर पैर लगा के फोर्स लगा के स्टॉप कर दिया, होता है नहीं होता है। तो यही मैं बताने वाला हूँ, ये दूसरा इफेक्ट है फोर्स का। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो पहला क्या लिखोगे, ए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो डेली लाइफ का। दूसरा, ए फोर्स कैन मूव कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, और भी बताऊंगा, ठीक है। ये दो इफेक्ट सबसे कॉमन होते हैं, पांच होते हैं, कल बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, इंट्रोडक्शन समझ में आया बेटा बच्चों, बेसिकली कि होता क्या है फोर्स, तो समझ में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो इतना करो, कल हम इसको आगे पढ़ाएंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स पे, और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देंगे, फील करेंगे आसपास अपनी चीजों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास। प्लीज रेगुलर बेसिस पे क्लास लें, मीटिंग देखते रहे, मीटिंग कर रहा हूँ, वीडियो देखते रहे, होमवर्क टाइम से सेंड करते रहे, नुकसान मत करिए अपना। अगर 1 साल खराब हो गया तो 11th में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, ओके, थैंक यू क्लास।